नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। निर्भया केस में एक नया मोड़ आया है, एक नई अड़चन आई है, एक नया पेच आया है। जी हां, निर्भया के गुनहगारों के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, चुनाव आयोग का दरवाजा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया है और ये कहा है कि जिस वक्त दिल्ली की सरकार ने एक गुनहगार विनय की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की एलजी से और राष्ट्रपति से, होम मिनिस्ट्री से, उस वक्त वो मंत्री यानी कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, जिन्होंने सिफारिश की, वो ना तो उस वक्त मंत्री थे ना ही विधायक थे। ये कहना है निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह का और उन्होंने इस बात को लेकर के चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अपनी दलील में एपी सिंह ने ये कहा है कि 29 जनवरी को एक गुनहगार, निर्भया के एक गुनहगार विनय की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा और 29 जनवरी को क्योंकि आचार संहिता लागू थी, उस वक्त दिल्ली में चुनाव होने थे। आपको याद होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे आए थे, तो आचार संहिता पहले लागू हो चुकी थी और 29 जनवरी को जब इन्होंने ये सिफारिश की, उस वक्त उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार की सारी जो अधिकार होते हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं, शून्य कर दिए जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है और ये एक बड़ी दलील पेश करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है एपी सिंह ने, जो कि वकील हैं निर्भया के गुनहगारों के। दरअसल एपी सिंह जो निर्भया के इन गुनहगारों के वकील हैं, ये लगातार इस तरीके की कोई ना कोई एक ऐसी अड़चन और कोई ना कोई कानूनी दाव पेच लेकर के सामने आ रहे हैं जिससे कि निर्भया के इन गुनहगारों की फांसी को जितना हो सके उतना टाला जा सके। और इस क्रम में इनको 2 बार वैसे सफलता भी मिल चुकी है, जिसमें कि 22 जनवरी और 1 फरवरी 2 बार जो डेथ वारंट इशू हुआ था, दो फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी, उनको टालना पड़ा था। अब जो ये एक नया पेच आया है, इसमें देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या जवाब देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के मैटर को लेकर के अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग हो सकता है कि उनकी इस याचिका पर या उनकी इस दलील पर कोई ध्यान न दे, लेकिन क्योंकि ये कानूनी मामला है और एक नई कानूनी अड़चन, नई कानूनी पेच को निर्भया के गुनहगारों के इस वकील ने फंसाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है। बहरहाल जो अब तक का मामला ये है कि कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने 3रा डेथ वारंट इशू कर दिया है और वो 3 फरवरी को सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब निर्भया के इन गुनहगारों को फांसी दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन अब चूंकि एपी सिंह एक नया पेच लेके आए हैं तो इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या होता है। बहरहाल जब तक डेथ वारंट जो इशू हुआ है उसको लेकर के फिलहाल निर्भया का परिवार बेहद खुश है और उसको संतोष है, उसे उम्मीद है कि 3 मार्च की सुबह 6 बजे इन गुनहगारों को फांसी जरूर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।